कठिन परिश्रम और कड़े प्रयासों के बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर दुनिया को अपनी तरफ मुड़कर दिखाने वालों में से एक हैं ब्रूस ली। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी सेहत ठीक नहीं थी, डिफेंस आर्ट में उनको कुछ कर दिखाना था और फिल्मों में एक्टिंग करना उनका सपना था, इसलिए उनके परिवार ने ब्रूस ली को अपने आप से अलग कर दिया। 18 साल की उम्र में ब्रूस ली अमेरिका आए और फिल्मों में एक्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन कई जगहों पर अपमानित हुए और उन्हें हर जगह ठोकरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना और 14 सालों तक कठिन परिश्रम के बाद जी कुंडो नाम का डिफेंस आर्ट तैयार किया। अपनी स्टूडेंट लिंडा से उन्होंने शादी की। लिंडा से शादी करने के बाद हांगकांग वापस आए, द बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी इन फिल्मों में काम करके एशियन यंगस्टर्स को अपनी तरफ खींचा। 1972 में वे ऑफ द ड्रैगन फिल्म को प्रोड्यूस कर बाहर रिलीज किया। उस फिल्म का एक्शन कमाल का था, बिजली से भी तेज मारना, तूफान की तरह घूमकर अटैक करना, अमेरिकन और हॉलीवुड वालों को हिला कर रख दिया। उसके बाद हॉलीवुड ने उन्हें काम देना शुरू कर दिया। एंटर द ड्रैगन इस फिल्म को उन्होंने बहुत कम समय में कंप्लीट किया। जब फिल्म रिलीज होने वाली थी उस वक्त वो गेम ऑफ डेथ फिल्म में काम करने के लिए अपनी बीवी लिंडा और बच्चों से विदा लेकर हांगकांग चले गए। इस दौरान रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। जब एंटर द ड्रैगन फिल्म रिलीज हुई तो उसने $200 मिलियन की कमाई की। ब्रूस ली ने सारे यंगस्टर्स में डिफेंस आर्ट का बीज बो दिया और ये बात भी सच है कि ब्रूस ली वीरता के प्रतीक थे। उनकी याद में हमारी एक छोटी सी कोशिश आपके सामने पेश है। ये खूबसूरत मलयूर गांव है। यहां पर 3 पीढ़ी से पहले एक परिवार में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई कड़ी मेहनत करके खुश रहता था और छोटा भाई बहुत तरह के वीर कला सीखकर शिकार करना, मारा मारी करना और गुंडों की तरह रहता था। एक छोटी सी संपत्ति का बंटवारा करने में समस्या खड़ी हो गई और छोटा भाई गुस्से में बड़े भाई पर हाथ तक उठा दिया। इससे बड़ा भाई अपने आप को अपमानित महसूस करके गांव को छोड़कर चला गया। बड़े भाई के घर छोड़कर जाने के बाद छोटे भाई के परिवार में हर तरह की तकलीफें आना शुरू हो गईं। भुखमरी तक की नौबत आ गई और अब इस कुल में सिर्फ एक ही वारिस बचा और वो है अपना हीरो। अरे बाप रे, मेरा कान! हमारे गांव में चोरी करने आते हो? हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। आज के बाद इस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। माफ कर दो। मलयूर गांव से आया हुआ बड़ा भाई मदुरई में सेटल हो गया और यहां पर चावल का बहुत बड़ा कारखाना शुरू कर लिया। इनका परिवार बहुत ही खुशी से जी रहा है। थोड़ा डरपोक है, किसी पर इतना जल्दी यकीन नहीं करता। इस लड़की के पीछे घूमने वाला रोमियो यही है। जो भी हो, लेकिन इसकी मस्ती बहुत है। और ये है विलन, इंटरनेशनल लेवल पर धंधा करता है। ये जो सोचता है उसे हासिल करके रहता है। फसल हो, हे ऊपर वाले हमारी मनोकामना पूरी कर दे। वो देख, सरस्वती आ रही है। इन लड़कों को कुछ काम सड़क छाप लड़के हैं। देख, अच्छी लग रही है ना आज, हरे रंग के दुपट्टे में आ रही है। कुछ काम धाम। अरे मैं भी किसको बता रहा हूँ, वो देख वो आ रही है। ए, देखना यार। हाँ सच बोल रही है। क्या मटक मटक के चल रही है, कितने बदतमीज है। कभी शक्ल आईने में देखिए, ये अपना कांडा लड़कियों को छेड़ने वाला। इसने तो मूड खराब कर दिया, इज्जत का एकदम फलूदा कर दिया। चल चल। अरे जा रे। अरे हम लोग जो ये सब बनाने वाले हैं, वो ये बंदर लोग खाने वाले हैं क्या? सही कहा। समय बीतता जा रहा है, पूजा शुरू करें। अच्छी बात है, शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं, लेकिन पहले गांव वालों को तो आने दो। वो देखो गांव वाले आ गए। हाँ ये भी सही है, इसे अंदर रखिए, उन लोगों को भी आने दीजिए। सब आ गए ना? हाँ आ गए, देखिए सब लोग आ गए।
नमस्ते नमस्ते सबको नमस्कार मेरा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस लड़की को कहाँ चलाया है? बहुत सुंदर है। हाँ बेटा बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लेकर आए हो? अरे भाई तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, बताओ। बिल्कुल आप पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं और आप भी पूछ रहे हैं, मैं पूरे गाँव को बताऊंगा। गाँव की पूजा कैसी लगी तुम लोगों को? ठीक ही लगी मुझे तो। बेकार की बात मत कर, सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ, जिस गांव का मुखिया सही नहीं होता है ना, उस गांव में कभी सही से पूजा पाठ नहीं होता। ये सब की सब पॉलिटिक्स करते हैं और कुछ। बिल्कुल सही कहा भाई, मैं तो इन बातों पे ध्यान ही नहीं देता। कौन है वो? ये लोग दूसरे गांव के हैं। हाँ भाई नमस्ते भाई, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते। क्या बात है? मंदिर के पास के नारियल के पेड़ को आप लीज पर लेना चाहेंगे? बस यही पूछने आया था। आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका रखूंगा। बोलिए क्या कहते हैं आप? तो डील पक्की करें। करो। बात पूरी हो गई। देखो भाई, मंदिर के पास जो नारियल है, अगर वो चाहिए तो ऐसे आकर बात नहीं किया जाता। सही कहा। भाई उसके नियम और कानून है। कोई एक दिन तय होगा, उस दिन जितने भी लोग अर्जी देंगे वो सभी वहाँ पर आएंगे। वहाँ मीटिंग होगी, उसी वक्त आप आइए, वही फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी आप जा सकते हैं। हाँ, एकदम से। लगता है शायद आप लोग नहीं जानते कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, देखते। क्या बात कर रहे हो भाई? हमारे गांव में एक शेर है, जानते हो क्या, या कभी उसके बारे में सुना है? मैंने उस दिन तेरे को मुखिया के घर के पास देखा था। कह रहे क्यों झूठ बोलता है ना भाई, क्या करने गया था उधर? अरे ऐसे ही कहता। तुम लोगों का नसीब खराब है, देखो वो आ रहा है पीछे। भाई, अरे भाई ये आदमी बड़ा खतरनाक है, इसने मुझे पहरा बना दिया भाई, मैं तो जा रहा हूँ भाई। चुपचाप निकल लो। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ए उधर देखना, देख इसे आराम कर रहा है। राजा की तरह जी रहे, किस्मत वाला है। हाँ तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? किस्मत वाला तो है ही। बेटा बेटा राज। बेटा देखा, शादी की उम्र हो गई लेकिन माँ का पल्लू अभी तक नहीं छोड़ता। बेटा तुम्हारे दोस्त आए हैं। इसे पता है कि हम लोग यहाँ पर हैं, फिर भी सोने का नाटक कर रहा है। माँ की गोद में सोने की उम्र नहीं है, अब बड़ा हो गया है, उठ जा। ये सुधरने वाला नहीं है। हाँ यार, लेकिन इसे ये सब बोल के क्या फायदा? आज इसके जो भी हाल है वो सब चाची की वजह से। क्या बोल रहा है? क्या चाची, आप इसे अभी भी बच्चे की तरह पाल रही हो। ये अब बच्चा नहीं रहा, ये बहुत बड़ा हो चुका है, पर लड़कियों के मामले में पूरा बच्चा का बच्चा है, देखता तक नहीं। अरे ये तो अच्छी बात है ना। अगर ऐसे ही रहा तो इससे कोई लड़की शादी नहीं करने वाली। मेरे पोते में कोई कमी नहीं, शेर है वो अपने बाप जैसा। ये शेर है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन कोई लड़की इसके सामने आ जाती तो भीगी बिल्ली बन जाता ये। अरे रानी जैसी लड़की इसके लिए है तो दूसरी लड़कियों को क्यों देखे? वो कौन है चाची? मेरे रिश्तेदार की बेटी है, नित्या नाम है। अच्छा कौन? वो नैना क्या है? नीतू है रे, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। अरे वो जो शहर से आते हैं ना अपनी गाड़ी में। अच्छा वही लोग जो मेले में आए थे? हाँ वही है, मेरे मुंह बोले भैया, बड़े खानदान के वारिस है। पता है जब वो 2 साल की थी तब मैंने उसे देखा था। ए बताओ यार, इसके लिए भी लड़की मिल गई, तो किस्मत वाला है। ए मेरे भाई, तेरे लिए तो नित्या है ना, तू टेंशन क्यों लेता है? क्या शर्मा रहा लड़का? जब मेरा पोता शर्माता है ना तो बिल्कुल अपने दादा जैसा लगता है। ये बुढ़िया भी कमाल है ना, पुरानी बातें याद करके अपने सारे जज्बात ताजा कर लेती है। जवानी याद आ गई। आज तो मजा आएगा, आज तो मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आज इसने बड़ा शिकार किया है। आज तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे उस सुअर का पूरा मुंह फाड़ दिया है। ये कम से कम 30 किलो का होगा। आज इस निकम्मे को बिल्कुल सही शिकार मिला है। अबे सब के सब राजा के घर के पीछे मीट खाने के लिए जमा होंगे, इनके तो आज मजे ही मजे हैं। बाप कर रहे हैं, बम को रख देते हैं, जब सुअर उसे खाने जाता है तो बम फट जाता है, कितना भयानक है। इससे अच्छा तो उसे गोली ही मार देते। मैं एक दिन उनके घर पर गया था,
उन्होंने पूरे घर में बड़े बड़े बम लटका कर दीवार पर रखे हुए हैं। अच्छा, एक बार तू भी इस बम को काटना तो फिर। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? ए जादूगर, मैं सेमेस्टर के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे खाने दे। जा। माँ, खाते टाइम भी झगड़ा कर रही हो? ठीक है, आराम से खाना खाओ, झगड़ा मत करो। माँ, कॉमेडी मत करो माँ, आज मेरा एग्जाम है माँ। ठीक है, जल्दी से खाना खा लो। तुम्हारा एग्जाम है तो क्या, मैं पागल हूँ यहाँ? इसे देखो, ए शांति से नहीं खा सकते क्या? यहाँ क्यों गुस्सा कर रहे हैं, और कहीं नहीं कर सकते क्या? ए। माँ, बाय माँ। माँ, बाय माँ। बाय बाय बाय। हमेशा की तरह आज भी डोसा, क्या कर सकते हैं, दो खाना ही पड़ेगा। आप खाइए ना। सुनिए, उस जगह की कीमत 1 करोड़ है। ए, धीरे बोल। उस वक्त मैंने ऐसे ही 17 लाख में वो जमीन खरीद लिया था, आज उस जमीन की कीमत पूरे 1 करोड़ है। उस जमीन के लिए मेरे भाई ने 5 लाख दिए थे। ए, उसका पैसा कब का लौटा दिया? तुम भी उसी बात पर अटकी हो। फिर भी हमेशा भाई की बड़ाई करती रहती है, जाओ। और कोई काम ही नहीं है इसे। सब लोग पूछ रहे हैं यार। जमीन खाली देखेगा तो पूछेंगे ही। अच्छा, भाव क्या मांगा है? 1 करोड़ 40 लाख देने के लिए तैयार हैं। सुनो, इतनी कीमत मिल सकती है क्या? तो स्कूल में जैसा था वैसा ही अब भी है। पैसा इम्पोर्टेंट है। अरे रहने दे, किसी ने एडवांस देकर ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है। इस तरह की जमीन मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है, लेकिन मेरी कैपेसिटी 1 करोड़ की है। 1.40 मैं नहीं दे सकता, तू क्या बोलता है? अरे यार, बहुत बढ़िया खुशखबरी दिया है, तू मुझे सिर्फ 1 करोड़ दे दे। अच्छा ठीक है, रजिस्ट्री करवा लें? ये भी पूछने की बात है, कल ही करवा लेते हैं, वहीं पे करवा देंगे, सेंटिमेंट बना रहेगा। मैं तैयार हूँ। ठीक है। This evening, yes. I want this to be done. No. I don't care. I want this deal to go through today. Please book me in Hong Kong Hilton, and after that, we'll go to the meeting in the morning. Good morning, sir. Yes, fine. What's going on here, son? How dare you have done that mistake? इसका business value कितना है जानता है तू? 5 करोड़ के आसपास मिलता हमें, अगर तूने उस फ्लाइट के निकलने से पहले उस बॉक्स को रीडायरेक्ट किया होता तो इतना काफी था। तूने सब कुछ जॉली के हवाले छोड़ दिया। मुझसे बिजनेस सीखने वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा नाम मिट्टी में मिलाएगा तू? डैड, आई डोंट वॉन्ट योर ब्लडी एक्सप्लेनेशन। अगर धन दौलत हो तो लाइफ एंजॉय कर सकते हो, बट सिर्फ एंजॉयमेंट ही जिंदगी नहीं है बेटा। तू यहां खड़े खड़े क्या कर रहा है? वो हम जैसे बिजनेसमैन के लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ये बात नहीं पता है तुझे? बोल।
सर वो यहाँ इस तरह से अय्याशी कर रहा है, ये सब देखने के लिए आया है। Look here, my son. मेरे जाने के बाद इस बिजनेस की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। But you can't. I think. I can, Daddy. I can. देखते हैं। नमस्ते। 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 आओ। आई। यहाँ एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं और तू कह रहा है कि बेचना है। ठीक है, आप रेडी कीजिए। जी सर। चलो हम चल के देखते हैं। आजकल धंधा मंदा चल रहा है, इन व्यापारियों के पास पैसे कहाँ से आते हैं? ए, पैसा ही सब कुछ है। अब मुझे देखो, पैसों के लिए अगर कुछ भी करना पड़े ना तो करता हूँ मैं, तभी तो इज्जत मिलती है मुझे। ये सब मुझसे नहीं हो पाता है, तू बस ये सब ठीक ठाक करवा दे, यही काफी है। ठीक है, कर देंगे। उधर देख, उस जगह से लेकर कंपाउंड वॉल दिख रहा है ना, उस फर्नीचर मार्ट से लेकर इस इंस्टीट्यूट तक, वो इंस्टीट्यूट ये सब अपना ही जगह है। सर लेट हो रहा है, आइए। हाँ, वो पूरा एज तक बुला रहे हैं मैं। हाँ आता हूँ, चलो बैठ जाओ। तू इधर आके बैठ जाना। सर कीमत 1 करोड़ है, 10 लाख रुपए एडवांस दे रहे हो और बाकी 1 महीने के अंदर दूंगा। ओके, आज 5 तारीख है, अगले 5 तारीख को आप बाकी के पैसे दे देंगे। हाँ ठीक है। ओके यार, ये लीजिए, साइन कर दीजिए। गवाह की जगह पर साइन कर दीजिए। पैसे दीजिए। अरे ठीक है ठीक है, बैठ के दे यार। ये लो। ये लो सर, बाकी आपका। अरे वो सब मैं देख लूंगा। क्या यार, मुझे कुछ भी करने नहीं देता है ये, कमाल का। ठीक है ठीक है। क्यों जी, रजिस्ट्रेशन ठीक से हो गया? सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। देखो दोस्त है इसलिए भरोसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप। ये लो, इसमें 10 लाख रुपए हैं, भगवान के मंदिर के पास रख दो। उस जमीन को बेचने के लिए हमने कितनी तकलीफें उठाई हैं, कभी ये सही नहीं है, कभी वो सही नहीं है। उफ, बाप रे बाप। भगवान जी, आपने हमारी जमीन को बिकवा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता रहे थे ना कि आपका दोस्त पैसों के पीछे पागल है, मुझे तो डर लग रहा था कि आखिरी वक्त में वो कुछ और ना बोल दे। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो, अगले महीने वो 90 लाख देगा, ऐसा एग्रीमेंट बनाया है, अभी वो मिलने तक तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब कोई परेशानी नहीं होगी, ये कह रही हूँ। मैनेजर सर, हांगकांग में मेल करो कि मैं आ रहा हूँ। यस सर। This auditorium here and that building there have to be renovated. Okay, sir. This ground is very important. Sure, sir. I want this ground. Okay, sir. Come. Yeah. क्या मैनेजर? सर, इस लैंड के बारे में बात करके तुम इसकी डील पूरी करने वाले थे,
काम पूरा हुआ कि नहीं? सर, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया है। मैं पहले आपको ये जमीन दिखाना चाहता था ताकि आप इसे पसंद कर लें और हम इसे खरीद लें। किसी भी बिजनेस डील में बाद में बात करता हूँ, ऐसा मत बोलना। यस सर। देन व्हाई आर यू मेकिंग डिले? आई विल स्पीक सर। नो, बात करनी है तो अभी करो, रजिस्ट्रार ऑफिस से अभी डिटेल मंगवाओ। यस सर। हेलो। यस सर। रजिस्टर ऑफिस है ना? हाँ, बोलिए। उस लैंड मैटर का क्या हुआ? गौतम जी, आज ही उस जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ। ये क्या बोल रहे हो? पार्टी स्पॉट में अग्रीमेंट करवा कर 10 लाख एडवांस दे दिया है। वैल्यू क्या था? 1 करोड़ सर। 1 करोड़? हाँ सर, क्यों? मैं बॉस से बात करके इवनिंग में कॉल करता हूँ। ठीक है सर। सर, किसी ने जमीन रजिस्टर करवा ली है और इसका वैल्यू 1 करोड़ है। कितनी लापरवाही से जवाब दे रहे हो, जमीन खरीदना आसान नहीं है, जानते नहीं हो? नहीं सर, वो एक्चुअली I don't need your stupid explanations here. अब तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, मुझे ये जमीन चाहिए, समझे? Yes, sir. अरे पूछो ना। रुक जाइए। तुम पर भरोसा करके इस शहर में मैंने बिजनेस करने का सोचा था, लेकिन तुम लोग, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो उल्टे सीधे रास्ते पता होने चाहिए। धमकी देना, डराना, जरूरत पड़ी तो खून करना। हमारे नाम से लोगों को डरना चाहिए। अगर मैं ये काम करूंगा तो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बॉस बनकर रहना है। यस डैडी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बोली सर। इसे इमिडिएटली निपटाना होगा। अपना रेट क्या है पता है ना तुम्हें? पता है सर। हमें ये जमीन लेनी है सिर्फ 25 लाख में, समझे तुम? ओके सर। गवर्नमेंट का रेट क्या है? 2 करोड़। हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन उस पार्टी से 25 लाख में डील डन करो, समझे तुम? उसके बाद ही इन लोगों के ऊपर हम हुक्म कर पाएंगे। ओके सर। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हमें अपनी मुट्ठी में रखना है। मेरे कहने के हिसाब से काम करो तो मैं तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दूंगा और मेरे इस पूरे एम्पायर को तुम ही संभालोगे, लेकिन पहले प्रूफ करो। श्योर डैडी, मैं ये सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही पूरा काम खत्म कर दूंगा। गुड गुड, इस काम को पूरा करो, उसके बाद इसी जगह पर मैं तुम्हें 4 थिएटर के साथ शॉपिंग मॉल बनाकर देता हूँ। क्यों, क्या कहते हो? ओके डैडी। मैनेजर। यस सर। नेक्स्ट टाइम थिएटर प्लान के साथ आऊंगा। ओ माय फ्लाइट टाइम, लेट्स गो। लेट्स गो। कम। एडवांस दे दिया है मैंने, बाकी 1 महीने में दे दूंगा। किसी का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में करता हूं। हेलो, कौन बात कर रहा है? हम आपके दोस्त बने हैं दुश्मन, अब ये आपको तय करना है। ए, ये पहली में क्या बात कर रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना। आपने नई जमीन खरीदने के लिए एडवांस दिया है ना? हाँ, तो क्या हुआ अभी? अब वो जमीन हमें चाहिए, जो तुमने एडवांस दिया है उसे वापस ले लो। हैं? शायद तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, उस जमीन की रजिस्ट्री भी करा चुका हूँ मैं। वैसे तुम हो कौन? एडवांस वापस लेकर तुम इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हो या नहीं, ये बताओ।
अबे नहीं करूंगा, तू कौन है सामने आके बात कर। हेलो दंडपानी। अरे वर्मा, तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। अचानक तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? मैंने तुम्हें जो जमीन का एडवांस दिया है ना, उसे वापस लेने के लिए मुझे फोन पर धमकी दे रहा है, इसीलिए पूछा। क्या बोल रहे हो, ऐसा किसने बोला? कहीं तेरा कोई दुश्मन है? मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। देखो, पता नहीं वो कौन है, उसका नंबर तुमने नोट किया? अरे क्या फायदा होता, एक रुपए का सिक्का डालते है ना, उससे फोन आया था। तो फिर अब क्या करेंगे? अच्छा चिंता मत करो, मैं कल घर आता हूँ, आगे क्या करना है वही बैठकर सोचें। ठीक है, तू आ, बात करते हैं। क्या हुआ जी, कोई परेशानी है? उस जमीन को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ? पार्टी थोड़ी गर्म हो गई है। कोई बात नहीं, सेलर को फोन करो। सर अभी तो मैंने पार्टी को कॉल किया है, अभी मामला सेलर तक जाएगा, बाकी का कल देख लेंगे। पापा ने जैसा कहा है वैसे ही काम खत्म करना है सर। डोंट वरी सर, मैं सब देख लूंगा, डोंट वरी। हेलो। हेलो राजा वर्मा जी। हाँ मैं राजा वर्मा ही बोल रहा हूँ। आपके गांव में आपकी बहन के घर में आग लग गया है और सब कुछ जलकर राख हो गया है, बहुत सारा नुकसान हो गया। क्या? आप जल्दी से यहाँ आइए, जितनी जल्दी हो सके आइए। क्या हुआ जी? गांव में बहन के घर में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं आप? और वो? जाऊंगा तो पता चलेगा। ठीक है, वहां जाऊंगा तभी पता चलेगा। ठीक है। जो भी है वो फोन करके बताऊंगा, तभी तुम आना। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आप जाकर आइए। उस जमीन का भी प्रॉब्लम है। हाँ। एक काम करो, अपना संतोष को फोन करके बुला लो। आप ही? और ये भी ना। हाय, गुड आफ्टरनून अंकल। बोलिए अंकल। देखो संतोष, मैं एक जरूरी काम से गांव जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए घर की देखभाल करनी है, बाकी बातें मीरा से कर लेना। ओके अंकल। ठीक है संतोष। यस। ए शिवा, दो दिन की छुट्टी बोल दे। के बाद आ रहे हैं। सरपंच जी, ये सब कैसे हुआ? क्या वर्मा जी, जब सब कुछ खत्म हो गया है तब अपनी बहन को देखने आए हैं? हाँ भैया, बहन के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहा था और वो मौका आ भी रहा था, लेकिन ये सब अचानक हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। वो कहाँ है? अब कुछ नहीं बचा है वर्मा जी, दुर्भाग्य है। जाइए जाइए, जाकर अपने भांजे से मिल लीजिए। जाइए जाइए। हाँ जाइए।
जाइए। भौजी, भौजी। मेरी प्यारी बेटा। मुझे माफ कर दो। माजे, माजे ली गई। हमारी आंखों के सामने ये क्या हो गया भाई? इस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो बचा सकता था। ऐसे क्यों बोल रहे हैं राजा वर्मा जी? पड़ोस में वो जो आपका रिश्तेदार रहता था ना, सुअरों को मारने वाला बम रखा था उसने, गर्मी की वजह से फटने लगे, उसकी वजह से पूरे घर में आग लग गई। आपकी बहन का घर भी बाजू में था ना, इसीलिए उनके घर में भी आग लग गई। आग को गांव के लोगों ने पानी लेकर बहुत बुझाने की कोशिश की, लेकिन बम चारों ओर से फट रहे थे। अब उस डर की वजह से सब लोग भागने लगे, अब कौन जाता बुझाने। हम क्या करते भाई, वो आग इतनी जोर से लगी थी उसे बुझाने में 5 घंटे लगे, तब तक सब कुछ जल चुका था। इनसे बोलो कि अपने भांजे को अपने घर में रखे। इधर सुनो राजवर्मा, तुम्हारे भांजे की हालत बहुत खराब हो गई है, जब तक उसकी हालत ठीक नहीं हो जाती तुम उसे अपने पास ही रखो, समझ गए ना? मैं भी यही सोच रहा था। बहुत अच्छी बात है। ठीक है फिर चलते हैं, बाकी बातें बाद में देखेंगे। भगवान सबकी रक्षा करें। चल भांजे, अच्छे से रहना बेटा, मत कर बेटा, आराम से सब जाना, ठीक हो जाएगा, भरोसा रख, तुम्हारा भला करे। अपना ख्याल रखना दोस्त। चलो हम लोग चलते हैं। राजवर्मा, भले ही ये तुम्हारी बहन का बेटा है, लेकिन ये हमारे गांव का शेर है, इसके दुख को कम करके वापस भेजना तुम्हारी जिम्मेदारी है। संभाल कर ले जाइएगा इसको। ठीक है, ठीक है, जा बेटा। जल्दी वापस आ, आराम से। आओ भाजे, क्या हुआ जी? आपने वहां जाके फोन ही नहीं किया, क्या हुआ है? मेरी बहन, माँ, सब कुछ गांव में खत्म हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। आई एम सॉरी माँ, ये पहले से ही दुखी है और ऊपर से आप इन्हें और दुखी कर रही हैं। अंदर आओ। कुछ तो जलने की बदबू आ रही है, इधर से ही आ रही थी। ये है कौन? जब वो लोग जिंदा थे तब जाने नहीं दिया, और अब रोने का नाटक कर रही है। ठीक है अब छोड़ो भी, इसके दुख को कम करने के लिए मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ, इसे खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा भांजा है ये। हम्म,
चलो राज। जो कुछ हुआ वो तकदीर का खेल समझकर भूल जाओ। आज से यही तुम्हारा कमरा है, तुम्हें सारी सहूलियत मिलेगी, यही मेरे पास रुक जाओ। कैसे? सुअर का शिकार करने के लिए देसी बम घर में रखा था, वो फूटने की वजह से आग लग गया। अरे ठीक है ठीक है, उसे इस बारे में कोई भी सवाल करके परेशान मत करना, नहीं तो तू जाकर अपनी पढ़ाई कर, कल से तेरा एग्जाम है ना। मुझे चलना चाहिए, कहीं मुझे भी पढ़ने के लिए ना बोल दें। मैं भी जाता हूँ पापा। अंकल जी ये कौन है अंदर? वो मेरी बहन का बेटा है, मेरा सगा भांजा, आज से वो यही रहेगा, नीतू से उसकी भी शादी हो सकती है। अरे आहा, आईटी दामाद की नींद को इन लोगों ने उड़ा दिया। हाँ बोल। मैं अभी घर पे आऊँ क्या? अरे पूछने की क्या बात है, आ जाओ। ए नीतू, नीतू, नीतू। आज तुम्हारा एग्जाम है ना? ऑल द बेस्ट। ए मैं भी नहाने जा रही हूँ। अंकल वो नहा कर आएगी, तुझे मत पूछना कि खाई कि नहीं, पागल कहीं कहां से आ गया कबाब में हड्डी। एग्जाम में चिट देकर मदद करने के बजाय कह रहा है ऑल द बेस्ट। ये लो बेटा थोड़ी चटनी ले लो। बस माँ बस हो गया। बस बस नीतू ये चाय ले जाकर उसे दे दे, उस बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया। संतोष के लिए माँ। ए मैं किसी और की नहीं राज की बात कर रही हूँ। ओके उनके लिए है क्या? मैं यहाँ पर हूँ और चाय उधर जा रही है। इसको और कोई काम ही नहीं है। विलेज अंकल के लिए वो चाय लेकर जा रही है, आप टॉयलेट जाइए। मैं वहाँ क्यों जाऊँ? उसको जाकर चाय देने की बात हुई थी ना, यह सुनकर आपके पेट में गड़बड़ हो रही है, इसीलिए बोल रहा हूँ। हे वर्मा आ जा। क्या बात है, सुबह सुबह हिसाब किताब करने बैठ गया? बैठ जा। अरे वो राइस मिल का हिसाब देख रहा था। सीरियस होके पढ़ रहा है? मेरा नाम नीतू है और आपका नाम क्या है? मेरे रिश्तेदार की बेटी है, नित्या नाम है। उन लोगों ने दोबारा फोन किया था यार। कभी बाय पापा। अरे हाँ यार बाय बेटा गोपी, नीतू बाय बाय बाय। कब जाने की सोच रहा है? उसी बारे में बात करने के लिए आया हूँ।
संतोष अंकल, इस अंकल के साथ जाकर आइए, छोटा सा जमीन का प्रॉब्लम है, ये बात कर लेंगे, सिर्फ इनके साथ जाइए, मैं जरा मिल जाकर आता हूँ। ठीक है, चले क्या बेटा? ठीक है, जाओ। ये लोग फोन पर धमकी दे रहे हैं, इसीलिए सामने से देखने आया हूं। ऐसा है क्या? वो लोग धमकी दे रहे हैं अंकल? अरे हाँ बेटा, वर्मा और मेरे बीच की बात है, वो बीच में क्यों आ रहे हैं? यही जमीन है, उस बिल्डिंग से लेकर इस इंस्टीट्यूट तक, यही आने के लिए बोला था, कहाँ चले गए? हाय, लगता है यही लोग हैं वो। स्टॉप। अंकल, लगता है ये लोग तो शराफत से बात करने के लिए यहाँ आए। शराफत से? हाँ हो सकता है आ रहे हो। देखा ना अंकल, मुझे देखते ही उसके आधे लोग तो वहीं डर के मारे रुक गए। हाँ बेटा। I'm Gaurav, the company business manager. Please बैठिए। बिजनेस की बात को कभी भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए। कुछ अलग तरीके से ही डील कर रहा है। हाँ आइए बैठो बेटा। आप मेरी बात सुनिए। सुन, काम तू ब्रोकर का करता है और एटीट्यूड बिजनेस मैनेजर वाला। गुड गाय। आप कौन है मैं नहीं जानता, काम क्या है वो बताइए। मेरे बॉस को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आई है और उन्हें जो भी पसंद आता है वो उसे कभी छोड़ते नहीं है। सो अब ये जगह हमें ही चाहिए। ए, अपने बॉस से बोलो कहीं और जाकर जगह पसंद करे, ये जगह मेरी है, इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अगले 25 दिनों में बाकी के पैसे भी सेटलमेंट हो जाएंगे। तू कहां से आ गया कबाब में हड्डी? ठीक है, मांडवाली का। इन्होंने एक बार बोला ना, फिर तू मांडवाली की बात इनसे क्यों कर रहा है? कूल। अब ये जमीन हमें 25 लाख में ही चाहिए और ये हमारा फाइनल रेट है। क्या बेवकूफी है ये, इस जमीन की कीमत 1,40,00,000 है। मेरा दोस्त है वो, इसलिए 1 करोड़ में बेच रहा है। हमारे बीच में डील हुई है, तू बीच में क्यों कूद रहा है? अब आप बताइए आपका जवाब क्या है? ए, क्या फाइनल वाइनल, चल निकल यहाँ से। अगर आपने इस जमीन को खाली नहीं किया तो हम इस जमीन के मालिक को खाली कर देंगे। What the hell man? तू हमको समझता क्या है? बेटा बैठ जा, बैठ जा। शाम, शाम, शाम। ये लोग इस तरफ क्यों देख रहे हैं? कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अब तबीयत कैसी है? हाँ अभी दवाई लेते रहना। पता नहीं क्या बात है, यहाँ एडमिट करवाया है। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, डोंट वरी, तब तक रेस्ट करो। ओके सर। हाँ वर्मा। संतोष। अंकल, अंकल। तुम्हें क्या हुआ संतोष? कुछ नहीं अंकल, उन्होंने बात की तो हमने भी बात की, फिर उन्होंने मारा तो हमने भी उन्हें मार दिया। बहुत बिल्डअप दे रहा है ये तो। बस इतना ही। ओई बो मा। बस उसी झगड़े में थोड़ी सी चोट लग गई है अंकल। ए, संतोष क्या बोल रहा है? वर्मा, मुझे पहले से ही एक शक था। क्या? यही केस मामले में ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन क्यों? अरे ये क्यों पूछ रहे हो? संतोष ने गए काम से, ये मेरी वीकनेस के बारे में इनको सब बता देगा। क्या हम केस कर सकते हैं? अरे छोड़ो वर्मा, अगर वो सामने से ऐसी धमकी दे रहे हैं ना, तो उनके साथ पुलिस का सपोर्ट भी होगा। तू भी यार, मैं 1 करोड़ दे रहा हूं ना, लेकिन वो लोग सिर्फ 25 लाख देने की बात कर रहे हैं, बिना किसी सपोर्ट के कोई ऐसा करता है क्या? यहाँ भी बिजनेस की बात करेगा? अगर तुमने पुलिस केस किया तो हो सकता है कि वो लोग बेचारे संतोष की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दें। ये क्या बोल रहा है यार? हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं था। अगर वो दोबारा आते हैं तो उनसे अलग तरीके से डील करनी। हाँ यार, मेरा डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक दोस्त है, कल ही उनको बुलाकर इस बारे में कोई फैसला कर लेते हैं। ये सही रहेगा। हाँ। उस जमीन को लेकर हमारा जो एग्रीमेंट है, उसके बाकी के 90 लाख अगले 25 दिनों में मैं तुम्हें दे दूंगा, सारा मैटर ही खत्म। बहुत अच्छी बात है यार, संतोष है ना?
अरे वो लोग जब मुझसे बात कर रहे थे ना, ये थोड़ा जोश में आ गया, अब वो तो ठहरे गुंडे, दो चार दे दिया इसको। ओए माँ, जब मुझे इतना दर्द हो रहा है तो जिनको मैंने मारा उनका क्या हाल होगा अंकल? एक्टिंग अच्छी कर रहा है। हेकड़ी मारना छोड़कर बाहर आ जा। आजा, आ। एक तो ऐसे ही चिल्लाती रहती है, इसे इस हालत में देखकर पता नहीं क्या बोलेगी। संभल कर आओ। अरे रे, संतोष को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, अंदर चल। कुछ नहीं हुआ आंटी, इट्स ओके। अरे संभल कर, आओ बैठ जाओ। अगर इसके पापा को पता चला तो गए। उस जमीन के मामले में थोड़ा सा झगड़ा हुआ है बस। तुमने झगड़ा क्यों किया? आंटी वो 5 लोग थे आंटी, सारे के सारे एक साथ आ गए। आओ माँ। धो दिया क्या? मैंने उनको धोया आंटी, बस उसी में चोट लग गई। इट्स ओके आंटी। इसके पापा के सामने बकवास मत करना, जा इसके लिए जूस लेके आ। ये जमीन का प्रॉब्लम कब खत्म होगा पता नहीं। कम कम, कितना झूठ बोलना पड़ रहा है यार। ब्रदर, मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं बहुत मार खाया हूं। अरे जरा करीब आओ। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा ब्रदर, ऐसा लग रहा था सभी को कराटे आता है। 4 पंच में मुझे पंचर कर दिया। कोई मुझे टच भी करे ना तो इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं मैं। माँ। ब्रदर, नीतू के आने का वक्त हो गया है, मैं बुरा तो नहीं लग रहा हूं ना? सच में ब्रदर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं ब्रदर। जब वो तुम्हें मार रहे थे तब तुम उन्हें पलट के नहीं मारे? उन लोगों ने मुझे पलट के बहुत मारा, मुझे मौका ही नहीं मिला यार। आप चंद्रमुखी के रूम से कब बाहर निकले? क्या गोपी, स्कूल से आने में कोई इतना थक जाता है क्या? ये बैग उठाकर चलोगे ना तो पसीने छूट जाएंगे। समझ गए ना? ये क्या अंकल, हाथ पकड़ते ही आ बोले, बैग पकड़ते ही आ बोले, अभी कब बोलोगे? आप तो निश्चित रूप से ही बोलोगे। मैं चलता हूँ। तेरी तो, चल जा यहाँ से, इसे तो मैं देख लूंगा। इसे क्या हुआ, हाथ में पट्टी बंधी है? हाय। हाय। मेरी बात कहाँ सुनने वाला है? रिश्ता भी करती हो। माँ, संतोष को क्या हो गया? माँ पता नहीं ये मामला कब सुलझेगा। जमीन के झगड़े में 5 लोगों ने उसे मारा, पता नहीं ये मामला कब सुलझेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 लोग, वाव। एक गोपी, ग्रेट। हाँ, 5 लोगों को मारा है, थोड़ी मार तो लगी होगी। हाँ दीदी, जब मारने में जीजा जी की ऐसी हालत हो गई तो मार खाने वाला तो जिंदा ही नहीं बचा होगा, चांस ही नहीं है। हाँ। जल्दी से उस गोनी को एक के ऊपर एक लगाओ भाई। आओ शिवा, आओ
कैसा है तू? आप कैसे हो भाई? मैं तो ठीक हूँ। ये कैसी दुनिया है, हम शराफत से अपना काम करते हैं और कुछ लोग बीच में आकर परेशान करते हैं। क्यों, क्या बात हो गई? एक जमीन का प्रॉब्लम है, बातचीत करने गए थे लेकिन उन लोगों ने संतोष को पकड़कर बहुत मारा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। आप जरा भी टेंशन मत लीजिए। लेकिन कैसे? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एडवांस तो हमने ले लिया है, इसलिए प्रॉपर्टी बेचने पर पैसा हमें ही मिलेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन ये लोग इतना कुछ अगर कर रहे हैं, मतलब इनके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा है। मतलब? तो फिर अगर हमने पुलिस डिपार्टमेंट की मदद ली तो वो लोग डेफिनेटली सरकारी मदद लेके हमारे रास्ते का रोड़ा बनेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तिरनल वैली में मुझे काम है, इसलिए डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं वहां जाऊं। मेरा काम सिर्फ 5 दिन का ही है, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम संभल कर रहना। मेरे आने के बाद उन लोगों पे केस ठोक कर उनका एनकाउंटर कर दूंगा, और अपने फ्रेंड से कहना कि वो भी संभल कर रहे, समझे? जल्दी आ जाना शिवा। ओके। अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। राज। राज। संतोष, ए संतोष। भैया आइए ना। संतोष कहाँ है? पापा, यहाँ आने के बाद भी तूने अपना रवैया दिखाना शुरू कर दिया। तुझे कहा था अपने गुस्से पर कंट्रोल कर, लेकिन तू नहीं कर पाया। अब तू यहाँ नहीं रहेगा। आप इधर आइए ना। अरे भाई क्या हुआ? मैंने जो कहना था कह दिया। जा क्यों रहे हैं? सुनो बहन, दुल्हन को कह देना कि समधी जी आए थे लेकिन किसी जरूरी काम की वजह से चले गए। देखा, संतोष को गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर बोल रहे हैं और खुद गुस्सा करके जा रहे हैं। तुम्हारे घर में सभी के नाक पे गुस्सा रहता है क्या? हाँ, मेरा मजाक ही उड़ाया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख अभी तुझे भी गुस्सा आ गया। इसे कुछ भी समझाओ, समझता नहीं है। क्या सोचा था और क्या हो गया? कौन है ये लोग? कहीं पता भूलकर तो इधर नहीं आ गए? यू आर मिस्टर राजंगम? हाँ मैं ही हूँ। और आप? अंदर चलकर बात कर सकते हैं क्या? आइए। आपका घर बहुत बढ़िया है, बैठकर बात कर सकते हैं क्या? लेकिन बात क्या है? आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, अगर इसी तरह हमारा काम भी खत्म कर दें तो बहुत खुशी होगी। बात क्या है बताइए तो। कूल, आपने अपनी जमीन अपने दोस्त को बेचकर जो पैसे एडवांस लिए ना, उसे कैंसिल कर दीजिए और हम लोगों को दे दीजिए। बस इतनी सी बात है, क्योंकि अब तुम्हारी जमीन हमारे बॉस को पसंद आ गई है। उस जमीन को मैं बेच चुका हूँ और अगर मेरा दोस्त बाकी का पैसा 4 महीने के बाद भी देगा ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किसी भी वजह से ये डील कैंसिल नहीं करूंगा। आप लोग जा सकते हैं। बहुत ज्यादा पंच डायलॉग मार रहे हो। हमारे बॉस जो भी सोचते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के। हमारे नाम अपनी वो जमीन कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो? नहीं तो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आपका टीवी बहुत अच्छा है। ए, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा।
ये कौन है? आपकी धर्म पत्नी है क्या? हाँ है तो तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कौन है? हमारी बेटी है, नेशनल कॉलेज में बीए लिटरेचर में थर्ड ईयर में है। ये क्या बदतमीजी कर रहा है? तो अब काम बहुत आसानी से हो जाएगा। रास्कल, दादागिरी कर रहा है। ए, उसने तुमसे पूछा कि तुम्हारी बेटी कहाँ पढ़ती है और तुमने बता दिया? बेवकूफ कहीं की। ये लोग कौन है जी? कौन है जी, ये लोग वही हैं जो जमीन को लेके प्रॉब्लम कर रहे हैं। तुम भी ना एक नंबर की। गलती से बता दिया। दो। इतना देर हो गया, अब तक आई क्यों नहीं? आह, बेटे के ऊपर कितना प्यार है, कितना प्यार है। पापा, ये क्या, दोनों जन फोटो खिंचवाने की तरह जोड़ी में पोज देकर खड़े हैं? व्हाट इज द मैटर माँ? तेरी दीदी की राह देख रहे हैं। दीदी कॉलेज से ही आ रही है ना, कि शादी करके आ रही है? ए, बकवास मत कर, अंदर जा। पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आता है। ए, नीतू के आते ही क्या हुआ, किधर गई थी, ये आए थे वो आए थे, ये बातें करके उसको डरा मत देना, समझी? समझ गई। वो आ रही है, उधर देखिए। आप लोग इधर क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं बेटा, एग्जाम देकर आ रही हो ना, तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ओ, ऐसा है क्या? हाँ। आओ बेटा। माँ, आज तो बहुत ही मामूली एग्जाम था, कल तो बहुत ही बड़ा एग्जाम है। बेटा, तुमसे कोई मिलने आया था क्या, कुछ पूछा क्या? सुनिए, ये सब कोई पूछता है क्या? बेटा तुम अंदर जाओ, मुझे समझा रहे थे। ये लोग कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं। आप भी ना। ये इतनी होशियार कैसे हो गई? सुनिए, आप हिम्मत मत हारिए, आप ही तो हमारी हिम्मत है। मैंने हिम्मत नहीं हारा, बेटी का एग्जाम है, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और इस वक्त उसको सुरक्षित रखना भी जरूरी है। है? दामाद जी को उसके साथ कॉलेज भेजते हैं। आप भी ना, अभी तो मार खा के यहाँ से वापस गया है। ए, 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 अरे मैं उसके बारे में नहीं, यहाँ पर जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, राज के बारे में। अरे इसमें वो क्या करेगा, ये टाउन है, मेरे भाई के बेटे को उन लोगों ने इतना धो दिया, अगर ये उसके साथ गया तो डर के भाग जाएगा, और वैसे भी पूरा दिन तो रूम के अंदर ही बैठा रहता है। सुनो, फिलहाल हम इसी को भेजते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कम से कम फोन करके बता तो सकता है। हाँ। क्या बेटा तुम रेडी हो? पापा मैं रेडी हूँ। ये गाड़ी की चाबी ऊपर रह गई बेटा, जरा जाकर ले आना। ओके पापा, मैं लेकर आता हूँ। कहाँ रख दिया इन्होंने, शायद यहाँ होगा। हाय नीतू डार्लिंग, माय स्वीटी। तुम्हारा बेटा अभी तक चाबी लेकर नीचे नहीं आया। कहाँ, ऊपर? हाँ ऊपर। रुकिए मैं आती हूँ। जू जू जू। अरे ये लड़की के पीछे पागल ही हो गया है, पागल लड़का है ये। मेरी प्यारी नीतू, ये लो चाबी। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो तो सपने में खोया है। सपनों में खोया है? नीतू के प्यार में अंधा और पागल हो गया है। दुल्हन की फोटो देखकर? नहीं, उसकी दादी का। तो इसमें गलत क्या है? आपका बेटा है, आप पर ही जाएगा ना, कंप्यूटर पे काम करने वाले लड़कों के पीछे लड़कियां नहीं घूमती क्या? खुशी की बात है, हमारा बेटा पहले से ही प्यार में है। आ रहा है, आ रहा है।
बेटा बहुत देर हो गई तुम्हें। प्यार में पागल हो गया है। देखो बेटा, एक जमीन को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए कुछ लोग घर पर आकर काफी तकलीफ दे रहे हैं। हाँ बेटा। कहीं नीतू के कॉलेज में आकर वो लोग कुछ ऊंच नीच ना कर दें, इस बात का डर है। और नीतू का एग्जाम भी चल रहा है, इसलिए अगर तुम मेरी बेटी के साथ कॉलेज जाओगे तो हम निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक है मामा जी। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो इन्हें फोन करके बता दोगे तो चलेगा? ये फोन अपने पास रखो, जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। गोडाउन में जो माल था वो सारा भेज दिया क्या? जी सर, शिफ्ट करवाया। मजदूरों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाय पापा। हाय गोपी, बाय बाय नीतू। सुनिए जी, नीतू से कहिए इसे साथ ले जाए। नीतू, क्या हुआ पापा? आज दामाद जी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, साथ ले जाओ। संतोष वापस आ गया क्या? अरे भाई, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हम तो रिश्तों को भी भूलते जा रहे हैं। मैं तो कॉलेज में एग्जाम देने जा रही हूँ पापा, छुट्टी का दिन होता तो ओके। अरे बेटा, कॉलेज के गेट तक लेके जाओगे, ये थोड़ा आसपास घूम भी लेंगे, लौटते वक्त साथ लेके आना। ओके पापा। राज बेटा, नीतू के साथ जाओ। अरे घर वाले इसको साथ में ही भेज रहे हैं, अब तो आईटी अंकल की। वहाँ मेरे सारे दोस्त खड़े हैं, अगर उन लोगों ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो मजाक उड़ाएंगे, इसलिए 15 कदम पीछे चल सकते हैं प्लीज। रुको। पंद्रह फीट, अब चलो। बस में नेशनल कॉलेज तक का टिकट ले लेना। ओके। वो देखो आ गई। वो चाहती तो कार में भी जा सकती थी, पर वो हमारे साथ बस में ही जाएगी। जाने दो ना, वो देखो आ गई। ए, तुम लोग कितनी देर से इंतजार कर रही हो? अब तू आ गई है तो बस भी आ जाएगी। ए, तुमने बस कहा और बस आ भी गई। हाँ तो चलो चलते हैं। हाँ चल चलते हैं। चलो बस में चलें। शाम की तैयारी करने वाली सीट मेरी। कितनी भीड़ हो रही है बस में, कब से सीट के लिए वेट कर रही हूँ, कोई दे ही नहीं रहा है। और ऊपर से ये गर्मी। तू हमेशा यही कहती है लेकिन तू पूरी प्रिपेयर होकर आती है। अच्छा, तुझे बड़ा पता है। कहाँ के टिकट दूँ? नेशनल कॉलेज। हे नीतू, एक मिनट, एग्जाम में अभी 45 मिनट्स बाकी है। कैंटीन कॉफी? गुड आइडिया। कॉफी पीकर अच्छे से एग्जाम लिखेंगे। तो बस क्या हुआ? ए, हमने क्रिकेट खेला था ना,
बॉल उस तरफ से तेजी से आया, हाँ। फिर तुम्हारे सिर पर लगा और सिर का बीच का पन्ना गायब। अरे यार सब लोग ध्यान से देखो, बाजू के टेबल पे एक लड़का बैठा है, ब्रूस ली की तरह दिखता है। ए, वो तो एक नंबर लग रहा है बिल्कुल। क्या तुझे लाइन मार है? वेटर, टी। कौन है ये नमूना? तुम दोनों की जोड़ी बहुत मस्त जमेगी। बस स्टैंड से लाइन मारते मारते अब तो वो कैंटीन तक भी पहुंच गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं कंफ्यूज हूँ। कम से वो तो तेरे पे लाइन मार रहा है। ए, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आई हूँ, वो मुझे भी देख रहा था, तो फिर मैं क्या कहूँ? चलो चलो टाइम हो गया है, उसके बारे में सोचते सोचते एग्जाम के बारे में मत लिख देना। एग्जाम का टाइम हो गया, ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू। दस, बीस, पच्चीस। मेरे इंटरनल मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा? तुम्हें कितने मिले? मुझे तो फर्स्ट डिवीजन मिले। और तुझे? एग्जाम के बाद पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। क्या प्लान है यार? टेंशन फ्री हो, टूर पे चले क्या? अब तो अच्छे से छुट्टियां मनाऊंगी। मेरा तो घूमने जाने का प्लान है। ठीक है, तेरा? अच्छा, क्यों नहीं, मजा आएगा यार। जाएंगे ना, देखते हैं। लेकिन कहाँ जाएंगे? ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? गुंडे जैसे दिखते हैं। कौन है? कौन हो तुम लोग? हमें रोक क्यों रहे हो? ए बच्चे, हमें सिर्फ ये लड़की चाहिए, तू निकले यहाँ से। अरे ये लोग कौन है? मैं इन्हें नहीं जानती। ए तुझे बोला ना, भाग यहाँ से। चल हट यहाँ से। नाटक कर रही है क्या? चल चलो चलो, छोड़ो मुझे। चल चल भाग यहाँ से। एग्जाम का टाइम हो गया, चलो। हाँ यार चल यार, एग्जाम चलो चलो, मैं सो जाएगा। देर हो गई। सुपर, एक्सीलेंट। ओके, आप यहीं रुकिए, मैं एग्जाम लिख कर आती हूँ। सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। क्या आपको ये गांव पसंद आया? नहीं आया। क्यों? लड़कियों का पहनावा, लड़कों के साथ उनका घूमना, ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं आया। ओह,
अच्छा फाइटिंग तो आपने बहुत ही अच्छा किया। छोटा फूल, उससे भी छोटा फूल। बहुत ही बड़ा फूल। ये पसंद आया? नहीं आया। क्यों? हमारे गांव में खेती के लिए पानी नहीं है, बहुत ही समस्या है, और यहाँ पानी बर्बाद किया जा रहा है। टाइम तो हो गया है, अभी तक घर क्यों नहीं आई? रियली आपने कमाल ही कर दिया। एक ही दिन में दोनों इतने करीब आ गए। क्यों बेटा, एग्जाम अच्छी तरह लिखा ना? हाँ, एक एक्शन पिक्चर देखकर ठीक से एग्जाम लिख कर आई हूँ पापा। क्या, पिक्चर देखकर एग्जाम लिखा है तूने? हाँ माँ। हम जब कॉलेज गए थे तो कैंटीन में कॉफी पीने गए थे। कॉफी पीकर जब हम बाहर आए तो हमें कुछ गुंडों ने घेर लिया। जैसे हम लोगों ने हमला किया, फिर राज ने आकर उनका हाथ तोड़ दिया। ऐसे मारा वैसे मारा, ये इतनी अच्छे से धुलाई करेगा मुझे तो ये पता ही नहीं था। उसे तो कराटे भी आता है। ब्रूस ली की तरह कराटे? ओके ओके। राज, ये सब तूने कैसे किया? ये मैंने अपने दादाजी से सीखा है। राजा की तरह पोज भी दे रहा है। आईटी। पापा, आपसे एक बात पूछूं, वो लोग मुझे मारने क्यों आए थे पापा? अरे बेटा, वो सब दूसरे कॉलेज में जाने के बजाय गलती से तुम्हारे कॉलेज में। वो सब छोड़ो बेटी, तुम परेशान मत हो, जाओ जाकर आराम करो। भांजे, वो जो आए थे ना। हेलो। क्या तो आदमी हायर किया है? क्या आदमी हायर किया है? आप कौन है बताइए? 25 lakhs। ए, तुम वही हो ना? तुम लोग मेरी बेटी को डिस्टर्ब करने क्यों गए थे? लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज करोगी, मैं ये पूछने गया था। ए! अगले 5 दिनों में वो जगह अगर हमारे नाम नहीं की ना, तो तुम लोग खत्म हो जाओगी। मामा जी, उस जगह पर जल्दी से एक झोपड़ा बनाइए। झोपड़ा? आप बस बनाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ए, जा यहां से। ए, चल बैठ, बोलूंगा तो चला जाएगा, चल बैठ। गोपी, हाय। हाँ हाय। ए, चल निकल, अब जाने के लिए बोल रहा हूँ ना, जाना। आप बैठिए, पागल कहीं का। गोपी, गोपी। क्या है अंकल? तेरी दीदी ने मुझे SMS करके यहाँ बुलाया है यार। वो दीदी के मोबाइल से मैंने भेजा था। ए, तूने क्यों किया? मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या है ना, आपको एक जरूरी बात बतानी थी, इसीलिए मैंने मैसेज किया। What happened, गोपी? Both your defense and your attack are very good. You must have practiced very hard. I tell you frankly, I know that I'm the best fighter in the world. बिल्कुल यही हुआ था। क्या हुआ? उसको सिर्फ कराटे आता है ना, मैं कराटे के साथ कथकली भी सीखूंगा। क्यों, साथ में कथकली क्यों? अरे वो डांस है यार। डांस है अंकल? कथकली बहुत इजी है, लेकिन कराटे बहुत मुश्किल है। नीतू के लिए कराटे तो क्या, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। तो फिर स्लो मोशन में चलकर दिखाओ। क्यों? क्योंकि पंच डायलॉग बहुत मार रहे हो, इसीलिए। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मेरी ही गलती है। बाय बाय।
बोलो क्या चाहिए? कराटे मास्टर आप है ना? हाँ सर, मुझे कराटे सीखना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बैच शुरू हुए 4 महीने हो गए, अब आप अगले बैच में आइएगा। अब नया बैच अगले महीने से शुरू होगा। रवि तुम इधर आओ। नहीं सर, मुझे अभी ज्वाइन करना है। आपकी फीस कितनी है? ये देखो भाई, मंथली 1000 रुपीज, सैटरडे संडे क्लास, पर डे 1 आवर। ओके वेल, 8 डेज इन मंथ, 8 आवर्स, मंथली 1000 रुपीज। सर मुझे 5 डेज कंटिन्यू दीजिए, मैं सीख जाऊंगा। टोटली 5000, बट आई विल गिव यू 10000। ओके यस, आई थिंक 5000 आपको कम लग रहा है, तो मैं आपको 10000 दे दूंगा। ओके मास्टर, अच्छा फाइनली 15000 दे दूंगा, सिर्फ 5 दिनों के, प्लीज। तुम्हारा प्यार का मैटर है क्या? सर यस सर, यू आर ग्रेट सर। सुनो, ये एक तपस्या है, जिसका मतलब मार्शल आर्ट। ये कोई शादी का मंडप नहीं है, ये सीखने के लिए ध्यान चाहिए। सर सेल्फ डिफेंस के अंदर हम खुद को बचाते हैं ना, वैसे ही मैं यहाँ अपने प्यार को बचाने की उम्मीद से आया हूँ, प्लीज सर। ओ, लव सेंटीमेंट्स, गुड। रवि, ये ऐसे ही हमारा टाइम पास करता रहेगा, 2-3 पंच सिखाओ और यहाँ से रवाना करो। यस मास्टर। हेलो ब्रदर, मुझे 5 लोगों को मारना है, अगर आप 4 लोगों को ले लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं ही आपको सिखाऊंगा, पहले आप ऐसे खड़े हो जाओ। नीतू के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमेशा मार क्यों खा के आते हो? कुछ नहीं आंटी, पहले इस जगह को खाली करना पड़ेगा। आइए दामाद जी। ये सब क्या है दामाद जी, चोट कैसे लगी? आपने बताया था किसी काम से आए थे, वो काम यही है क्या? आज से दामाद जी के लिए मरहम पट्टी का इंतजाम करके रखना पड़ेगा। तुमने भी फाइट करना शुरू कर दिया क्या संतोष? ऐसा क्या हो गया संतोष? नीतू, तुम्हारे लिए मैं कराटे क्लास ज्वाइन किया था और वहां पर ये चोट लगी। ए, मुझे इंप्रेस करने के लिए ये सब कर रहे हो संतोष? ऑलरेडी मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ संतोष। रजिस्ट्रेशन करवा दिया क्या? रजिस्ट्रेशन 2 दिन में हो जाएगा पक्का, आप प्लान के साथ आइए। ठीक है, आता हूं। बॉस से मिलना है सर। नहीं, आप अभी बॉस से नहीं मिल सकते, पहले बिजनेस कंफर्म कीजिए, फिर मिलते हैं बॉस से। तो नेक्स्ट वीक? ऑफ कोर्स, नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। चलो ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। What happened तिलक? पापा मल्टी थिएटर कॉम्प्लेक्स प्लान के साथ अगले 2 दिन के अंदर यहां आ रहे हैं। सो अब हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए, बताओ क्या करना है। गौतम जी, पापा का एक छोटा सा काम भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए तो पापा बिजनेस छीन लेंगे मुझसे, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसके पास सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, हमें पता चल गया है, अगर हमने उसका काम तमाम कर दिया ना तो सेलर को कोई नहीं बचा पाएगा। हम उन्हें समझा कर देखते हैं, अगर फिर भी नहीं समझे तो डिपार्टमेंट के थ्रू काम करवा देंगे। अच्छा, उस दिन आप कितने लोग लेकर गए थे? 5 लोगों को। तो फिर इस बार आप 15 लोग लेकर जाइए, कैसे भी करके उसका साइन लेकर आइए।
इसके लिए खर्चा कुछ ज्यादा लगेगा, बोलो क्या करना है। ओके वन थिंग, हम पहले वहां नहीं जाएंगे, वहां पर पहले लैंड फॉर सेल का बोर्ड लगाएंगे, फिर वो लोग खुद आएंगे और हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एकदम ऐसा ही होना चाहिए, इमीडिएट। डन। हेलो। हाय डार्लिंग। आई विल कॉल यू बैक। ए वर्मा, मैं कल जमीन देखने गया था, वहां किसी ने झोपड़ा बना दिया है। जाकर देखा तो कोई दुबला पतला आदमी बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कौन है तो बोला तुम्हारा रिश्तेदार है, इसीलिए तुम्हें फोन कर रहा हूँ मैं। सुनो, उस दिन घर पर आकर धमकी देना, नीतू को किडनैप करने की कोशिश करना, इस बारे में जब राज को पता चला तो उसने कहा कि पैसों का सेटलमेंट होने तक वो वहाँ झोपड़ा बनाकर रहेगा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। वो इंस्पेक्टर गाँव से जब तक नहीं लौटता तब तक संभालना पड़ेगा ना, इसीलिए ये सब कुछ। अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो मैं झोपड़ा उठाकर फेंकने वाला था। वैसे वो बिल्ली देखने में ब्रूसली लग रहा था। अरे वो बिल्ली नहीं है मेरे यार, शेर है, ब्रूसली की तरह। हा? देख ले तू खुद ही बताएगा। अरे अब तुम लोग उस तरफ जाओ, जाओ जाओ उस तरफ जाओ। चलो आ जाऊं। चलो गुड। हेलो शिवा। हाँ भाई बोलिए भाई। वो ग्रुप जमीन के मामले में हमें बहुत तकलीफ दे रहा है, बात झगड़े तक पहुंच चुका है। भाई मैंने उनके बारे में इंक्वायरी की, वो एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेसमैन है। ऐसा है क्या? उसने हर डिपार्टमेंट में अपने आदमी रखे हैं, अपने डिपार्टमेंट के सारे बड़े ऑफिसर्स उसके इशारे पर नाचते हैं,
हमें बहुत होशियार रहना है भाई, आप भी सोच समझ कर कदम उठाइएगा। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? अगर वो लोग चाहे ना तो एक ही दिन में काम तमाम कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा उनसे बचकर रहना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए भाई, मैं दो दिन में ही वहाँ आ रहा हूँ। हमें सोच समझ कर कदम उठाना है भाई, तब तक आप सावधान रहिएगा। ठीक है। परेशानी की वजह से ये सो नहीं रहे हैं। माँ, मेरी क्लिप कहाँ है माँ? अरे यहीं कहीं रखा होगा, ठीक से ढूंढ। कहाँ? मैं हमेशा यहीं रखती हूँ। Where is my son? Sir, he is in the room, sir. What about the land? Sir, moreover finished, sir. सब कुछ सही से चल रहा है ना? सर, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है सर। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इस बिजनेस को संभाले। ओके सर। उसका ध्यान रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। डेफिनेटली सर। मैं कल सुबह आऊंगा। ओके सर। प्लान के साथ। ओके सर। श्योर सर। ओके। गौतम सर, एनी प्रॉब्लम? बॉस का कॉल था। क्या बात हुई? बॉस कल सुबह तक यहाँ पहुंचने वाले हैं। और मल्टी कॉम्प्लेक्स प्लान के साथ आ रहे हैं। लैंड डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें रेडी रहने के लिए बोला है। मुझे इस तरह से टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास करवाने के लिए। नहीं, मैं आराम से रहूं ये उन्हें पसंद नहीं है। तुम जिंदगी में बेफिक्र रहते हो ये उन्हें पसंद नहीं है। क्यों? वो बेफिक्र नहीं रहते हैं क्या? हांगकांग में 3 कीप हैं उनकी। वहां पर वो 3-3 बिजनेस करते हैं। तो मैं 10 बिजनेस करूंगा। अच्छा टारगेट है। गौतम जी सीरियसली बोलिए, मैं इस लायक नहीं हूं क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, आप उनकी इकलौती औलाद हो, उनके बाद आप ही सब कुछ हो, इसलिए वो आपको काबिल बनाना चाहते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। यस अंकल। इस एक शब्द के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं तिलक। तो उसे मारकर साइन लीजिए। तुरंत, कैसे भी। जरूर, मैंने कॉल कर दिया है 4 गाइस, वो स्पेशलिस्ट हैं, वो उसका काम तमाम कर देंगे। गुड, आज ही काम खत्म होना चाहिए। यस तिलक। हाय। हाय। पापा भी साथ में आए हैं। और कैसी हो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं अच्छी हूँ अंकल। कैसे हैं आप भैया? भाभी नहीं आई? अरे वो कहाँ से आएगी, वो तो अपने घर के कामों में ही बिजी रहती है बेचारी। समझी जी नहीं है क्या? ये तो गांव गए हैं, बस आते ही होंगे। अंकल। अरे दामाद जी, कब आए समधी साहब? बस अभी अभी। उस दिन मैं इस पर बहुत गुस्सा था, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई, और मैं अपनी बहू से भी नहीं मिल पाया। आप तो जानते ही हैं इसकी हरकतें, सिर्फ इसकी वजह से आपके घर आने में 10 बार सोचना पड़ता है। अरे क्या समधी जी, अपने घर पर आने के लिए इतना सोचेंगे ऐसा नहीं चलेगा। उस दिन जैसे अपने बेटे को तेजी से लेकर गए थे, वैसे मेरी बेटी को लेकर नहीं जा सकते। मैं रीति रिवाज के साथ ले जाने की बात कर रहा हूँ। आप भी समझी जी। क्यों अंकल, अभी आपके दिल को बहुत ठंडक पहुंच रही होगी ना? संतोष। हाँ पापा। गिफ्ट निकाल के देना। वाओ, वेरी नाइस अंकल।
आज माँ होती तो उसकी जगह पर मैं। शर्माओ मत राज। अरे वर्मा, उस जमीन की प्रॉब्लम की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो क्या है कि मेरे साले की बेटी की शादी तय हो गई है। मुझे शादी के मंडप वाले से जरा बात करनी है। ठीक है, हमारा मैनेजर से मिलने का टाइम हो गया है, इसको बोलो यहीं इंतजार करे, हम दोनों उससे मिलकर आ जाते हैं। है? चलो। क्यों राज, आ रहे हो ना? आ जाना। कल्याण महल कहाँ है? लेफ्ट साइड में है भाई।
क्या बात है, अभी तक राज नहीं आया? हाँ यार, वो देखो आ गया। लेट क्यों हो गए राज? वो आपको मारने के लिए यहाँ आए थे। क्या बात कर रहे हो, वो लोग यहाँ भी आ गए? चलो गाड़ी में बैठो। हाँ, जल्दी जल्दी चलो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? वो लोग हमेशा हमें मारने आते हैं, आप मुझे उनका पता दीजिए, मैं उन्हें देख लूंगा। एड्रेस चाहिए? अभी पूछ कर बताता हूँ। हेलो रजिस्ट्रार साहब, अपनी जमीन के सामने जिसने ऑडिटोरियम खरीदा है उनका एड्रेस क्या है? हाँ अच्छा, बैसर कंपनी के पास। तो ये है प्लान। पहले ये, फिर ये और बाद में ये। प्लान बहुत अच्छा है, थिएटर भी है। हाँ, हम इस पूरे एरिया को यूटिलाइज करेंगे। मुझे लैंड डॉक्यूमेंट्स चाहिए जल्द से जल्द, समझे तुम? सर आज ही रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वहां पर एक आदमी है जो ट्रबल दे रहा है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? What has happened here? Tell me. ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब समझ में आया तुम्हें? बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है, तुम खुद एक आदमी को नहीं संभाल पाए, ठीक है? अब तुम बस मेरे एक्शन को देखते जाओ। आज के बाद अगर मेरे मामा जी को सताया तो जान से मार दूंगा। मैंने इतने गैंग्स को पालकर अपने बिजनेस को संभाला है, एक शेर के सामने बकरी, उसके सामने आकर उसे धमकी दे तो कैसा लगेगा? सर वो बकरी दिखता है पर बब्बर शेर से कम नहीं है। मेरे लिए वो जमीन उतना जरूरी नहीं है जितना कि उस आदमी का काम तमाम करना। उस बकरी को मारने के लिए मैं शेर बुलाने वाला हूं। मेरा लैपटॉप मुझे दो। ये है मेरा बब्बर शेर। हाँ। हाय जितेंद्र। यस सर। हाँ, यू हैव एन असाइनमेंट। ओके, वेयर? इन माय होम टाउन। या, व्हेन? टुमारो। ओके sure, I'll come immediately. Yeah, coming.
ओके। वो कहां से आ रहे हैं सर? मुंबई में मेरा पाला हुआ शेर है, शेर। तिलक को मलेशिया भेजने के लिए कहा था, भेज दिया तुमने? यस सर। सेफर साइड के लिए 10 सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लो। श्योर सर। 25 लाख से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा मैं। मैंने आपको याद दिलाने के लिए सोचा था सर। Welcome, sir. Yeah, hi. Hello, sir. I'm Jitendra from Mumbai. My room is already booked. Which room number, sir? 106. Oh, 106. Please, sir. Thank you. Welcome, sir. Mr. Gautam? Yes, sir. Where are you? I am arrived. I am on the way, sir. I am in the hotel. Okay, sir. भाई तो बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और तुम्हें वो काम करवाना होगा. That's it. मुझे और कुछ नहीं सुनना. This way. Sir. Hello, sir. Hi. How are you? I am fine. Sit. And here? Yes. I told you. Yeah. A guy is giving some problem to our business. A guy? Or team? No. A guy only. You mean single guy? In Tamil Nadu? Yeah. Yeah. I'm eager to see that guy. Timing? Tomorrow. सर, सभी लोग बासमती राइस ही मांग रहे हैं, हम लोग क्या करें सर? सभी लोग बासमती राइस ही मांगेंगे तो स्टॉक में होना भी तो चाहिए। ठीक है, अपने गोडाउन में जितना स्टॉक है भेज दो, घटने के बाद और मंगा लेंगे। ठीक है सर। अरे वर्मा, कैसे हो तुम? आजा। जैसे ही बुलाया आ गया। बैठ जा, बैठ। इस जमीन की जो प्रॉब्लम है, अपना फैसला इसे बताऊं तो मानेगा कि नहीं? क्या यार, सुबह सुबह इतना परेशान दिख रहा है? अरे कुछ नहीं, रात भर सो नहीं पाया हूं। क्यों यार? यार वर्मा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस जमीन के जो प्रॉब्लम है उसे कैसे खत्म करें हम। अरे हाँ, दंड पानी अपने भांजे को लेकर। अरे तू भी यार, आखिर तेरा भांजा कब तक संभालेगा? डिपार्टमेंट वाला त्रिनल वैली चला गया, पता चला है कि वो लोग बहुत बड़े गैंग के लोग हैं। अरे तुम्हें चुपचाप अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए, उसके बजाय ये सब क्या खेल कर रहे हो यार? क्या भैया, शादी की बात कर रहे हो? किसकी शादी? वही नीतू की शादी के बारे में। अपना संतोष है ना, उससे अच्छा लड़का कौन होगा? अरे ये भी ना, मैं जमीन के बारे में बात कर रहा हूँ और ये शादी के बारे में। ये सब क्या है भैया, मामला तो बढ़ता ही जा रहा है। देख वर्मा, तू अपने भांजे की मदद का खेल खेलना छोड़ दे,
मैं बहुत कुछ सोच कर यहाँ पर आया हूँ। मैंने एक फैसला लिया है। क्या करना है बोल, मैं वही करूँगा। यही सुनना चाहता था मैं। एक आदमी को जानता हूँ, वो सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा। हमें उसे जाकर के मिलना होगा, चुटकी में काम हो जाएगा। क्या कहते हो? अरे इसमें इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है, जाकर राज को भेज दो। तू अपने भांजे के पीछे ही पड़ गया है, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? जा यार। अरे तू भी ना। अरे ये भी ना। चलो राज। हेलो सर, रेडी, कमिंग। क्या दंड पानी, तू इंग्लिश में बात कर रहा है? ऐसे ही कभी कभी बोल लेता हूँ। ठीक है चलो राज। इस तरफ? नहीं नहीं, इस तरफ। ओ इस तरफ। हाँ चलो राज। नहीं नहीं, इसे यही रहने दो, हम चलते हैं। Ah!
ये इसकी हड्डी पसली तोड़ देगा। Thank you.
अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो ये मुझे भी मार डालेगा। अभी तक आया नहीं? हाँ वर्मा, पता नहीं कहाँ चला गया। 5 मिनट और देखते हैं, कहीं गया होगा, आ जाएगा। अरे कितना इंतजार करेंगे, राज वहाँ वेट कर रहा होगा। चलो। राज, 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 भांजे, कहाँ गया? मेरे भांजे, क्या हुआ भांजे? मैंने बोला था ना, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत बड़ा कमीना हूँ मैं। मामा जी, अब तेरी बारी। Come on. चलो मामा जी। चलो। भाई आप घबराइए मत। अरेस्ट हिम। कांस्टेबल, सारे सबूत ले लो। मुझे माफ कर दो गद्दार। हमारी जमीन भी अच्छे भाव में बिक गई और पैसे भी मिल गए। अब तो शादी का काम शुरू कर देते हैं, सही है ना बेटी? शर्मा क्यों रही हो? भांजे, क्या हुआ भांजे अचानक? मैंने अपने दिल को
संभालना सीख लिया है मामा जी। आपकी तबीयत ठीक होते ही गांव आ जाइएगा। कितना बड़ा दिल है इसका। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। जाना जरूरी है क्या भांजे? चाहे कोई भी हो, सब मुश्किलों से गुजरते हैं, पर उससे पार होना ही जिंदगी है, ये मैं जान गया हूं। एक मिनट रुक जाओ भांजे। जब मेरी बहन जिंदा थी तब मैं ये करना चाहता था, अब ये तुम रख लो भांजे। पैसे किस लिए मामा जी? मैं यहां से आप सबकी यादें साथ ले जा रहा हूं मामा जी। नहीं नहीं भांजे, मैं स्वार्थी हो गया था। कैसे इंसल्ट कर दिया। मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है भांजे। You are great, brother.